नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रीवत्सन। राजस्थान की आज की पांच बड़ी खबरों के साथ साथ ही आज की बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री द्वारा क्यों अपनी गारंटी यात्रा निकाली गई और इससे किस तरह के परिणाम की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही क्या खास रहा आज के पहले दिन की यात्रा की शुरुआत के दौरान। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की पांच बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की गारंटी यात्रा को लेकर है, जो कि आज से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भंवर जितेंद्र जसरी के कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में मौजूद थे और इस गारंटी यात्रा की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर की गलियों में जाकर जनसंपर्क किया और आज की तारीख में उन्होंने 3 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को साधने की कोशिश की और शुरुआत मालवीय नगर इलाके से हुई, जहां से कांग्रेस की प्रत्याशी अर्चना शर्मा भी इस कार्यक्रम में शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मौजूद थी। एक खास गाड़ी बनाई गई और ये यात्रा राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। राजस्थान की दूसरी खबर कांग्रेस की गारंटी यात्रा को लेकर है, लेकिन भले ही ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 7 बड़ी योजनाओं के बारे में जनता को बताने और उनमें इस बात का एहसास दिलाने को लेकर है कि यदि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो सरकार अपने 10 पुराने वादों की तरह इस वादे को भी पूरी तरह निभाएगी, क्योंकि सरकार ने 7 बड़ी गारंटियां चुनाव से पहले ही दे दी, जबकि कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आना बाकी है जिसमें विस्तार से इसे और विस्तारित रूप दिया जाएगा, कई नई बातें भी शामिल होगी। लेकिन इस यात्रा के दौरान ये केवल एक चुनावी यात्रा ही नहीं थी, बल्कि मुख्यमंत्री की ओर से इसे एक धार्मिक यात्रा भी बनाने की कोशिश की गई। इसके तहत मुख्यमंत्री 4 से 5 बड़े जयपुर के मंदिरों में गए, दर्शन किया, वहां पर अपने कांग्रेस पार्टी की और मानव मात्र की कामना की मतलब सलामती की दुआएं की, कामना की और कहा कि उनकी इस यात्रा को किसी भी धर्म के आधार पर जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से धार्मिक रंग में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आए, क्योंकि मंदिरों के साथ साथ गुरुद्वारा के भी उन्होंने दर्शन किए, वहां पर स्पेशल पूजा पाठ भी की, तो मुख्यमंत्री एक तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड इस पूरे चुनाव में अपनी ओर से चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद को लेकर राजस्थान में एकदम अपने लिए चुनाव प्रचार का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। तुष्टिकरण का सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है जितने भी बीजेपी के बड़े नेता रहे, तो मुख्यमंत्री की ओर से सॉफ्ट हिंदुत्व का एक चेहरा कांग्रेस को पेश करने की बड़ी कोशिश की गई है। राजस्थान की तीसरी खबर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के दौरे को लेकर है। दरअसल अमित शाह अब राजस्थान में पूरी तरह सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। आज चुनाव के आचार संहिता लगने और नामांकन पर्चे भरने की प्रक्रिया के खत्म होने के बाद आज अमित शाह राजस्थान के दौरे पर रहे। एक ही दिन में 3 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर उन्होंने जनता को संबोधित किया है, बड़ी जनसभा भी थी और चौपाल के जरिए भी उन्होंने संबोधित करने की लोगों को कोशिश की है। बीजेपी सरकार के केंद्र की सरकार के बारे में बताया और राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की तमाम खामियों को उन्होंने गिनाया। नावा, कुचामन और पर्वतसर में आज अमित शाह मौजूद थे और यहाँ पर उन्होंने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उनके सभा में हमेशा की तरह बीजेपी समर्थकों की अच्छी खासी तादाद भी नजर आई और अमित शाह ने अपने बयानों के जरिए मोदी सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाने की पूरी कोशिश की है। राजस्थान की चौथी खबर, राजस्थान में अब नामांकन पर्चे जमा कराने का काम पूरा हो चुका है। विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से की जा चुकी है और खास बात यह है कि इस बार राजस्थान में 2605 उम्मीदवारों ने अपने 3436 नामांकन पर्चे दाखिल कराए। कई उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने दो दो तीन तीन पर्चे जमा कराए ताकि एक यदि खारिज हो जाए तो दूसरा कम से कम ठीक ठाक चुनाव चुनाव के अधिकारियों को ठीक ठाक मिले और वे चुनाव में अच्छी खासी फाइट दे सकें। तो 2605 उम्मीदवार राजस्थान में अब चुनाव मैदान में है, लेकिन अभी भी 9 तारीख तक नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। तो ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने रूठे हुए नेताओं को, बागी नेताओं को मनाने की कोशिश करिए ताकि उनका चुनावी समीकरण किसी भी तरह से ना बिगड़े। राजस्थान की पांचवी और आखिरी खबर अब नेताओं के विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर है। दरअसल अब नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, आरएलपी, आम आदमी पार्टी, एमआईएम पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसे तमाम छोटी बड़ी पार्टियां चुनाव मैदान में, कई निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में और अब इन्होंने जनसंपर्क शुरू कर दिया है, अपने पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं कि 25 तारीख को राजस्थान में वोटिंग होनी है। बहुत कम वक्त है क्योंकि अभी त्योहार का भी वक्त है, तो ऐसे में खास सभी लोग
त्योहारों में व्यस्त होंगे तो एक पल भी गवाए बिना ये लोग लगातार अपना चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन उम्मीदवारों को आ रही है जो कि जिनका नाम आखिरी सूची में कांग्रेस और बीजेपी या दूसरे पार्टियों पे आया था, क्योंकि जिनकी पहली दूसरी सूची में ही नाम आ गया था वे तो लगातार अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करें, लेकिन उन नेताओं के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई जिनका आखिरी सूची में नाम आया या कहें कि नामांकन पर्चे जमा कराने के आखिरी दिन के एक दिन पहले जिनका नाम सूची में शामिल था। आज की बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान के जोरदार आगाज की। दरअसल आज राजस्थान कांग्रेस की तरफ से अपनी गारंटी यात्रा निकाल की शुरुआत कर दी गई है। जयपुर से इस यात्रा की शुरुआत हुई है, सभी संभागवार 200 विधानसभा क्षेत्रों में यह जाएगी और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जो अब तक पिछले 5 साल में काम किए गए थे, जो इन योजनाओं को लागू किया था उनके बारे में तो बताया ही जाएगा। साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से 7 बड़ी घोषणाएं की है, 7 बड़ी गारंटियां दी है, उससे लेकर भी आम जनता को बताया जाएगा। तो 7 गारंटियों पर पूरा फोकस रहेगा कि यदि कांग्रेस सरकार राजस्थान में रिवाज बदलते हुए फिर से रिपीट होती है तो किस तरह की योजनाओं को जनता के बीच में लागू किया जाएगा। और खास बात है यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ने इस यात्रा की शुरुआत में मौजूद थे और ये यात्रा जहाँ जहाँ जाएगी लगभग काफ़ी विधानसभा क्षेत्रों में उनके मौजूद होने की बात भी सामने आई, यानी कि राज्य भर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज से दौरा भी शुरू हो जाएगा। शुरुआत जयपुर के मालवीय नगर से हुई है क्योंकि मोती डूंगरी मंदिर में पूजा पाठ अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस चुनावी गारंटी यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा की एक खास बात यह है कि आज जहां यह मालवीय नगर, आदर्श नगर और हवामहल किशन कौल के एरिया से यह यात्रा गुजरी है और 3-4 विधानसभा क्षेत्रों को एक साथ साधने की आज कोशिश की गई है कांग्रेस पार्टी द्वारा जयपुर की, क्योंकि जयपुर की सीटें काफ़ी अहम सीट है। जयपुर की 9 विधानसभा सीट है और टोटल यदि जयपुर जिले की यदि बात की जाए तो यहाँ पर करीब 18 से 19 विधानसभा सीट है, क्योंकि अभी कई नए जिले बने हैं तो जिले विधानसभा सीट भी जयपुर से हटकर दूसरे जिलों में चली गई है। तो ऐसे में इन सभी सीटों पर कांग्रेस फिर से फोकस करिए क्योंकि अच्छी तरह से जानती है कि जयपुर में उनके लिए जीतना बहुत जरूरी है। पूरे राजस्थान को एक सकारात्मक संदेश जाएगा कांग्रेस पार्टी को लेकर, तो जयपुर पर खास तौर पर यहाँ पर फोकस किया हुआ है। खास बात इस यात्रा की यह भी रही कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज इस यात्रा की शुरुआत करते हुए राजनीतिक रूप से तो पूरी तरह आश्वस्त लगे ही, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी सरकार की गारंटियों को, उनकी पार्टी की गारंटियों को जनता के बीच में बताया जाना है। लेकिन इसके साथ ही अशोक गहलोत का एक नया सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा भी नजर आया, क्योंकि अशोक गहलोत ने इस पूरी यात्रा की शुरुआत के दौरान मंदिरों के दर्शन किए, गुरुद्वारों में जाकर माथा टेका, धार्मिक गुरुओं से मिले, आशीर्वाद लिया, तमाम तरह की कोशिश की गई सॉफ्ट हिंदुत्व का उनका चेहरा दिखाने की, कांग्रेस पार्टी का सॉफ्ट हिंदुत्व या सबको साथ लेकर चलने की एक बड़ी कोशिश भी दिखाई गई इस यात्रा की शुरुआत के दौरान। जयपुर के प्रथम पूज्य देव मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह करीब 12 बजे इस यात्रा की शुरुआत की है। उसके बाद कृष्ण का मंदिर बीच में आया, वैष्णो देवी का मंदिर आया, हनुमान जी का मंदिर आया, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी रुके, दर्शन किए और अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए जनता के बीच में निकल पड़े। खुली गाड़ी में भी ओपन जीप थी, उनकी गाड़ी थी, कार में वहाँ पर मुख्यमंत्री सवार थे, लोगों का हाथ हिलाकर सड़क के दोनों किनारे न केवल कांग्रेस कार्यकर्ता बल्कि जयपुर की जनता भी खड़ी थी अपने मुख्यमंत्री को देखने के लिए, क्योंकि 5 साल मुख्यमंत्री रहते हैं, बहुत कम वक्त ऐसा आया था जब मुख्यमंत्री इस तरह से जनता के बीच में निकले हो, क्योंकि कार्यक्रमों में वे भाग लेते हैं लेकिन जब चुनाव आता है तो नेताओं को जनता के बीच में जाना ही पड़ता है, क्योंकि अच्छी तरह जानते हैं कि जनता ही चुनाव के वक्त माई बाप होती है, वे ही उनके किस्मत का फैसला भी करती है। और चूंकि राजस्थान में कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने की जिम्मेदारी अशोक गहलोत ने अपने हाथों में ले रखी है, एक तरह से सारी की सारी योजनाएं, रणनीति बड़ी तैयार कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो टिकटों का वितरण हुआ उसमें भी अच्छी खासी संख्या में अशोक गहलोत के समर्थक लोगों को टिकट मिला, वे दिलाने में कामयाब भी रहे थे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने खुद आज इस गारंटी यात्रा में सबसे दमखम के साथ आगे नजर आए, अपने समर्थक जो विधायक थे या जो कहें कि जो इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्हें अपने पास खड़ा किया और उनके इलाके में जाकर अशोक गहलोत ने उनके लिए भी आज जन समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश की। तो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की जा रही है, इसके पीछे एक बड़ी वजह भी मानी जा रही है। दरअसल बीजेपी इस बार के चुनाव में राम मंदिर, नए साल में जैसे ही नए साल आएगा तो बीजेपी राम मंदिर के
आधार जो शिलान्यास होने वाला है, माफ कीजिएगा, जो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है उसे लेकर बड़े बड़े बातें कर रही है। बार बार यह जताने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी की कोशिशों के चलते, बीजेपी के प्रयास के चलते आज राम मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार है, उसका उद्घाटन होने वाला है। तो बीजेपी एक तरह से भावनात्मक रूप से लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। अशोक गहलोत सरकार पर बीजेपी लगातार तुष्टिकरण के आरोप भी लगाती रही है। तो ऐसे में अब चुनावी साल है, बहुसंख्यक वोटों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया, अपने सॉफ्ट हिंदुत्व कांग्रेस पार्टी के चेहरे को पेश करने की कोशिश की गई है और बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस धर्म निरपेक्ष है। ऐसा कहना सही नहीं है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को ही फायदा पहुंचाती है क्योंकि वो उनका वोट बैंक भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। यही जताने की आज मुख्यमंत्री ने कोशिश की। हालांकि मुख्यमंत्री से पूछा गया कि इस धार्मिक ये धार्मिक यात्रा क्यों है, ये तो गारंटी यात्रा थी, तो उनका कहना कि मैंने मानव मात्र के कल्याण के लिए आज मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना की। तो इस तरह से मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया है और अपनी इस यात्रा के दौरान लगातार वे गारंटियों के बारे में बात करते रहे। एक और अच्छी तस्वीर आज यह है कि मुख्यमंत्री ने गिग वर्कर के लिए कानून बनाया था। गिग वर्कर ऐसे लोग होते हैं जैसे जोमेटो में कार्य करने वाले या जिनके बारे में बहुत कम सोचते हैं, इनकी नौकरी न तो स्थायी होती है, कब नौकरी होगी, कब नहीं होगी, कितना वेतन मिलेगा, इसके बारे में कुछ नहीं होता। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से आचार संहिता लगने से पहले इसे लेकर कानून बना दिया गया था। अब अपनी एक बड़ी गारंटी के तहत उन्होंने फिर से गिग वर्करों के लिए और कई सारी बातें कही है। तो ऐसे में आज जब वे अपनी इस गारंटी यात्रा से जा रहे थे मालवीय नगर इलाके से, तो अचानक उन्हें जोमेटो के कुछ लोग मिले एक दुकान के बाहर। उन्होंने उन दो लड़कों को अपने पास बुलाया जो कि जोमेटो के डिलीवरी बॉय थे, उनसे बातचीत भी की, यानी कि अंदाज ठीक वैसा ही जैसे राहुल गांधी हमेशा करते नजर आते हैं, कभी कुलियों से मिलते हैं, कभी किसी और से मिलते हैं, कभी किसानों के साथ खेत में जाते हैं। तो इस तरह से मुख्यमंत्री ने भी यह आज जताने की कोशिश की कि उनकी सरकार केवल योजनाएं ही नहीं बनाती है बल्कि उन योजनाओं के बारे में उससे जुड़े लोगों को भी बताती है कि आप इस योजना का लाभ उठाइए, सरकार ने आपके लिए बनाया। तो आज इन दोनों युवकों को मुख्यमंत्री ने अपने पास बुलाया और इन डिलीवरी जोमेटो के डिलीवरी बॉय को यह बताने की कोशिश की कि सरकार ने आपके लिए कितनी अच्छी योजना बनाई है, इसका लाभ लीजिए, तो और जल्दी ही सरकार आपके लिए कुछ और भी करने वाली है। तो इन दोनों युवकों के चेहरे पर भी काफ़ी एक तरह से खुशी नजर आई, खुशी नजर आनी ही थी क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास वे बैठे, अशोक गहलोत से उन्होंने बातचीत की। एक मुख्यमंत्री से बात करना आम लोगों के लिए, खासतौर पर डिलीवरी बॉय वगैरह के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज इन लोगों के चेहरे पर भी इस बात को लेकर खुशी नजर आई। तो हम बात कर रहे हैं कि अशोक गहलोत की इस गारंटी यात्रा को लेकर, आज यह गारंटी यात्रा शुरू हो गई है और अगले कुछ दिनों तक राज्य भर में जाएगी। इसके लिए प्रभारियों की भी नियुक्ति कर दी गई है क्योंकि बहुत सीरियस कांग्रेस इस पूरे विषय को ले रही है। अच्छी तरह से कांग्रेस पार्टी जानती है कि इस बार का चुनाव, बाकी तमाम मुद्दे तो होंगे ही लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लेकर होगा, जिसके बारे में अशोक गहलोत खुद भी कह चुके हैं कि अपनी गारंटियों को लेकर ही वे जनता के बीच में जाएंगे, अपने एक सरकार के कामकाज को बताएंगे, कांग्रेस क्या सोचती है, किस तरह से उसने काम किया और आने वाले दिनों के लिए उसके पास क्या योजना है। तो इन सभी चीज़ों को बताने की इस यात्रा के दौरान पूरी कोशिश की जाएगी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खास तौर पर हिदायत भी दे रखी है कि इस यात्रा को में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। एक मिस कॉल नंबर भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी किया गया था कि इस यात्रा के दौरान ही यदि इस गारंटी, सरकार की गारंटी यानी कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी के बारे में कोई लाभ लेना चाहता है तो उसकी न केवल जानकारी मिलेगी बल्कि एक मिस कॉल अलर्ट देने पर यदि कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो उसे प्राथमिकता के साथ उन योजनाओं के से जोड़ दिया जाएगा। कांग्रेस की बड़ी योजना है, बड़ी रणनीति है इस बार चुनाव को लेकर और अपने कामकाज और गारंटियों को लेकर ही जनता के बीच में कांग्रेस इस बार नजर भी आ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री का आज का सॉफ्ट हिंदुत्व का बदला अंदाज राजनीति में सुर्खियों में है और अब बीजेपी को भी नए सिरे से स्ट्रेटेजी पर विचार करना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि मुख्यमंत्री जी का मंदिर जाना, गुरुद्वारों में जाना एक छलावा मात्र है, ढकोसला मात्र है क्योंकि कांग्रेस कभी भी बहुसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए कुछ खास कर ही नहीं पाई। यदि उन्हें करना था तो पिछले 5 साल में क्या किया इस बारे में बताइए। हालांकि मुख्यमंत्री बार बार कह चुके हैं उन्होंने गोपालन विभाग का सबसे पहले देश भर में पहली बार मंत्रालय बनाया, निर्देशालय बना दिया था, गौशालाओं के विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए तक दे दिए थे। तो ऐसे में वे भी गो भक्त हैं, अकेले बीजेपी इसका क्रेडिट नहीं ले सकती।